हेलो एवरीवन, मैं आकाश गौर, वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। फिर से आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हूँ, नर्वस सिस्टम, जिसे हम तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। क्या होता है, इसमें सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझाऊँगा। अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, डिस्क्रिप्शन में जाना, सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना, वहाँ पर मेरी इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है, आप लोग मुझे वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि मैं सबके रिप्लाई कर पाऊँगा। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ कुछ लोगों के, बाकी मैं धीरे धीरे देखकर सभी के रिप्लाई जरूर करूँगा। नर्वस सिस्टम क्या होता है, सारी चीज़ें लोग बोलते बहुत ज़्यादा टफ होता है, समझ में नहीं आता, कुछ नहीं। मेरी वीडियो, मैं आपको गारंटी देता हूँ, हिंदी प्लस इंग्लिश में दोनों इतना अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ, आपको पूरी वीडियो एक बार में क्लियर हो जाएगी, कहीं से कहीं तक कोई भी डाउट नहीं रहेंगे, सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, ब्रेन के बारे में सारी चीज़ें, ब्रेन का स्ट्रक्चर, ब्रेन के फंक्शन, नर्वस सिस्टम के टाइप, सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। स्टार्ट करता हूँ मैं आज की वीडियो। होता क्या है नर्वस सिस्टम, ठीक है, देखिए, नर्वस सिस्टम इज एन इम्पोर्टेंट सिस्टम ऑफ द बॉडी विच मेड अप मेनी स्मॉल यूनिट ऑफ न्यूरॉन। बोलना चाहता है कि तंत्रिका तंत्र कई छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें न्यूरॉन कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, ये न्यूरॉन कोशिकाएं कहते हैं, न्यूरॉन कोशिकाएं जो आपका तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम जो होता है, बहुत सारी स्मॉल यूनिट ऑफ सेल्स से मिलकर बना होता है, जिसे हम न्यूरॉन सेल्स कहते हैं। अब देखो, आगे बढ़ता हूँ। न्यूरॉन सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ब्रेन। जो तंत्रिका तंत्र की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है नर्वस सिस्टम की, वो क्या होती है, न्यूरॉन कोशिकाएं होती है। एक बेसिक चीज़ है, याद रखना, क्योंकि आपको पता होगा कि जब भी छोटी छोटी सेल्स आपस में कंबाइंड होती है, जब भी छोटी छोटी सेल्स आपस में जुड़ती है, तो ये सेल आपस में जुड़ के एक अंग बनाती है, अंग तंत्र बनता है, ऐसे करके डेवलपमेंट होता है। तो याद रखना, न्यूरॉन सेल होती है ब्रेन में पाई जाती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किसकी, हमारे नर्वस सिस्टम की। ठीक है, अब देखना, दो प्रकार के न्यूरॉन होते हैं, यहाँ पे आपको समझना है। ठीक है, नर्वस सिस्टम समझने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि नर्वस सिस्टम का काम कैसे हो रहा है। दो प्रकार की न्यूरॉन कोशिकाएं पाई जाती है, कौन कौन सी, एक होती है सेंसरी न्यूरॉन। इन दोनों न्यूरॉन्स के बारे में अगर आपने समझ लिया ना, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, पूरा नर्वस सिस्टम क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, समझना, न्यूरॉन्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है सेंसरी न्यूरॉन। अब बोलोगे सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है, सर देखो, सेंसरी न्यूरॉन कैरी अ सिग्नल फ्रॉम द बॉडी, स्किन, मसल्स, बोन, टिश्यू एंड सेंड टू द ब्रेन। बोलना चाहता है कि सेंसरी न्यूरॉन्स हमारे, समझना कोशिश को, सेंसरी न्यूरॉन हमारे शरीर से संदेश को लेकर हमारे मस्तिष्क तक जाते। दो तरह की क्रियाएं होती है नर्वस सिस्टम में, दो तरह के काम होते हैं, आज समझ लो। ठीक है, मैं समझाता हूँ आपको अच्छे से। देखो, मेरे दिमाग को अपने आप किसी चीज़ का पता नहीं लगता है, मेरे ब्रेन को कौन बताएगा, मेरा शरीर बताएगा। मान लीजा मैं चल रहा हूँ, मुझे काटा लग गया पैर में, मेरे पैर में चोट लगी हुई है, पत्थर गिरा हुआ है, ये सारी चीज़ें कैसे पता लगेगी मुझे, ये सारी चीज़ों को पता लगेगा मेरे ब्रेन के थ्रू, है ना। ब्रेन तक मैसेज जाएगा पहले, फिर ब्रेन उसको आइडेंटिफाई करेगा, फिर ब्रेन उसको आइडेंटिफाई करके रिप्लाई करेगा, समझना। तो ब्रेन हमारा क्या है, हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर का मतलब ये, हमारे शरीर में होने वाली सभी एक्टिविटी, जो भी प्रोसेस होती है, उसको नियंत्रित कौन करता है, हमारा ब्रेन करता है। ठीक है, फिर वही एग्जाम्पल, मैं चला, मेरे पैरों में काटा लगा, तो मेरे दिमाग को पहले बताना पड़ेगा कि मेरे पैरों में क्या हो रहा है, समझ रहे हो। तो दो तरह के संदेश जाते हैं, ठीक है, एक संदेश तो वो जो हमारे शरीर से हमारे मस्तिष्क तक जाएगा, और फिर जब हमारा मस्तिष्क वापस बताएगा, तो ये क्या होता है, ये न्यूरॉन के द्वारा होता है। ठीक है, मेरे पैरों में चोट लगी है, मेरे पैरों की न्यूरॉन कोशिकाओं ने मेरे दिमाग तक मैसेज भेजा, फिर दिमाग ने बोला कि अरे इनको तो चोट लगी है, पैर हटाओ, संभालो अपने आप को, ये मेरे दिमाग ने वापस रिप्लाई किया। तो एक हुई अंदर जाने वाली प्रोसेस, एक वापस बाहर आने वाली प्रोसेस। तो जो मेरे शरीर से दिमाग तक संदेश को लेकर जाता है, वो होती है सेंसरी न्यूरॉन। अभी बताया मैंने, सेंसरी न्यूरॉन कैरी सिग्नल फ्रॉम द बॉडी, बॉडी में स्किन, मसल, बोन, टिश्यू, मेरे शरीर में कहीं भी कुछ भी हुआ है, इनके सारे संदेश, इन सारी जानकारियों को ब्रेन तक कौन लेके जाएगी, सेंसरी, एंड सेंड टू द ब्रेन। सेंसरी न्यूरॉन हमारे शरीर के सभी अंगों से संदेश को लेकर मस्तिष्क तक जाती है, क्लियर है।
मोटर न्यूरॉन। अब ये मोटर ये न्यूरॉन के एक प्रकार है भाई, देखो न्यूरॉन्स की एक टाइप है, इनको समझना इंपॉर्टेंट है। मोटर न्यूरॉन क्या होता है? मोटर न्यूरॉन कैरी अ सिग्नल जिसे हम इम्पल्स भी कहते हैं। सिग्नल को दूसरा नाम क्या है? इम्पल्स के नाम से भी जानते हैं। फ्रॉम द ब्रेन एंड सेंड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। बोलना चाहता है कि जो मोटर न्यूरॉन है हमारे मस्तिष्क से संदेश को लेकर संपूर्ण शरीर तक जाते हैं। दो तरह के न्यूरॉन बताया, सिंपल भाषा में एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक न्यूरॉन तो ऐसे न्यूरॉन होते हैं जो कि हमारे शरीर से संदेश को लेकर दिमाग तक जाते हैं, फिर दिमाग से वापस संदेश लेकर आएंगे। समझो बात को आप, मैं चल रहा हूँ, ठीक है, मैं सिंपल बात हाथ का एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे हाथ है, मैंने पिन उठाया, पिन चुभो दिया। जैसे ही मैंने पिन चुभाया, मेरे हाथ की जो न्यूरॉन सेल है इनने एक मैसेज बनाया कि मेरे हाथों में पिन चुभा है। वो मैसेज गया 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 मेरे दिमाग तक। कौन लेके गया? सेंसरी न्यूरॉन लेके गया। जब सेंसरी न्यूरॉन तो ब्रेन तक गया, फिर ब्रेन ने क्या करा? ब्रेन ने रिप्लाई करा, फिर ब्रेन ने वापस बोला कि अरे पिन चुभा है। फिर उनने मैसेज जनरेट किया कि हाथ पीछे हटाओ, ठीक है, फिर वो जनरेट किया, फिर आया मेरे हाथों तक। तो वो जो लेकर आएगा, जो संदेश को हमारे दिमाग तक लेकर जाता है उसे सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं, और जो हमारे दिमाग से संदेश को शरीर तक लेकर आता है उसे मोटर न्यूरॉन के नाम से हम सिंपली जानते हैं। क्लियर हुआ? सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इसी से आपका पूरा नर्वस सिस्टम क्लियर करवा दूंगा मैं। आगे बढ़ता हूं। टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नर्वस सिस्टम के टाइप कितने होते, कितने प्रकार के आपके नर्वस सिस्टम होते। देखो, एक होता है आपका CNS, CNS को सिंपली बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फुल फॉर्म याद रखना, फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक होता है आपका PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दो तरह के नर्वस सिस्टम मैं आपको बता रहा हूँ, CNS और PNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है आपका ब्रेन और स्पाइनल कोड। आपका जो मस्तिष्क है, जो स्पाइनल कोड है, ये किसका भाग है? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भाग है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं देख लो जरा। दो प्रकार के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं। एक होता है आपका सोमेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ठीक है। सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या होता है आगे बताऊंगा। अब जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है ये भी दो प्रकार के होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है। CNS क्या होता है, PNS क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, CNS का फुल फॉर्म सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS का फुल फॉर्म पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। PNS यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो भागों में विभाजित किया गया है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है वो भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है आपका? एक होता है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है आपका पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन सारे नर्वस सिस्टम को हम एक एक बाय वन करके डिवाइड करके समझते हैं। सबसे पहले देखते सोमेटिक नर्वस सिस्टम। किसका पार्ट है सोमेटिक नर्वस सिस्टम? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का भाग होता है। क्या होता है समझो, सोमेटिक नर्वस सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, विच कैन टेक अ इंफॉर्मेशन बोथ टाइप ऑफ न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। बोलना चाहता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक भाग होता है। यह दोनों प्रकार के न्यूरॉन से संदेश ले सकता है। मतलब कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम है, एक प्रकार का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक भाग होता है। क्या करता है? जो दिमाग से संदेश आएंगे उनको ले जाता है और लाता भी है। मतलब दोनों तरह के काम करता है, ठीक है। इसमें और डिटेल बताता हूं आपको। दिस सोमेटिक नर्वस सिस्टम मेड अप मेनी नर्व्स विच आर कनेक्टेड टू स्किन, सेंसरी ऑर्गन एंड स्केलेटल मसल। देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, समझना। सोमेटिक नर्वस सिस्टम कई प्रकार की नर्व से मिलकर बना होता है। पहले समझ लो ये नर्व क्या होती है। देखो, हमारे नर्वस सिस्टम से तार फैले हुए, समझना। मेरी पूरी बॉडी में एक वायरिंग की गई है। मेरी उंगलियां हिला पा रहा हूँ, आंखें झपका पा रहा हूँ, पैर चला पा रहा हूँ मेरी वायरिंग के थ्रू। एक पतले पतले धागे के जैसी पूरी संरचना मेरे शरीर में बिछी हुई है, ठीक है। क्या हो रहा है? एक धागे जैसी संरचना पूरे शरीर में। उन धागे जैसी संरचनाओं को मैं बोलूँगा नर्व। ये नर्व कहाँ से मिलती है? जब छोटे छोटे न्यूरॉन्स को आपस में जोड़ते जाओ तो एक लंबा धागा बन जाता है। जैसे एक न्यूरॉन ये है, एक न्यूरॉन ये जोड़ दिया, इसके आगे फिर एक न्यूरॉन जोड़ दिया, तो ये न्यूरॉन से बनी हुई नर्व
लाइनिंग होती है जो कि पूरे शरीर में बॉडी के हर एक भाग में बिछी हुई रहती है। ठीक है, मैं उंगलियां हिला पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से धागा मेरे दिमाग तक जा रहा है, मेरे दिमाग इसको परमिशन दे रहा है, कंट्रोल कर रहा है, तो ही मेरे हाथ हिल पा रहे हैं, वरना मेरे हाथ नहीं हिलते। ठीक है, ऐसे समझ लो जैसे हम जो बचपन में अपने गाड़ियाँ देखी होगी रिमोट वाली, उस रिमोट के थ्रू उन गाड़ियों को चलाते, तो उसका और उसका आपस में कनेक्शन किया गया इलेक्ट्रिकली। इसी तरह से हमारी बॉडी में वायरिंग फैली हुई है, वायर से कनेक्टेड हुए पूरी बॉडी में हर एक जगह वायरिंग फैली हुई, उसे नर्व कहेंगे। मैं आपको नर्व का मतलब समझाना चाहता हूँ, ठीक है, धागे जैसी संरचना। अब देखो ये बोलना चाहता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम बहुत सारी नर्व सेल से मिलकर बना होता है जो कि कहाँ पर कनेक्टेड रहती है, ये समझो, जो कि स्किन पे, सेंसरी ऑर्गन में, स्केलेटल मसल्स में। सोमेटिक नर्वस सिस्टम कई प्रकार की नर्व कोशिकाओं से मिलकर बना रहता है, ठीक है, और ये कोशिकाएं कहां जुड़ी होती है, त्वचा पे, ठीक है, संवेदनशील अंगों पे एकदम, और मांसपेशियों पे। अब समझना आप बात को, मैं बोल पा रहा हूँ, आपसे बात कर पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा सोमेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। अब मेरी इच्छा नहीं है बोलने की, मैं चुप हो गया, नहीं है मेरी इच्छा बोलने की, तो मैं ये चीजों को समझो आप बात को, मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ, मतलब मेरे बोलने की प्रक्रिया मेरे ऊपर निर्भर है। मेरा मन करेगा तो मैं बोलूँगा, मेरा मन नहीं करेगा तो मैं नहीं बोलूँगा। मेरी इच्छा मतलब ऐसे शरीर के वो अंग जिन्हें हम वश में कर सकते हो, हमारे कंट्रोल में होते हो, वो आते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। फिर से रिपीट करता हूँ, मेरा मन है रनिंग करने का, मैं भाग लूँगा, जैसे मेरा मन करा तुरंत रुक जाऊँगा। ठीक है, क्यों रुक जाऊंगा? मेरा सोमेटिक नर्वस सिस्टम परफेक्ट है। यहीं पे अगर मैं बात करूं, कोई लोग ड्रिंक वगैरह, अल्कोहल वगैरह पी लेते, दारू वगैरह पी लेते हो, क्या होता है, चलते उनका नर्वस सिस्टम प्रॉपरली काम करता ही नहीं, वो बोलते जाते उनको ही नहीं पता है कि बोल रहे हैं वो। ठीक है, चलते चलते लड़खड़ा जाते, पूरा बॉडी बैलेंस बिगड़ जाता है, नर्वस सिस्टम बिगड़ गया उनका। ठीक है, बिगड़ा मतलब, बिगड़ने का मतलब ये संदेश जो न्यूरॉन जो जा रहे, मैंने अभी बोला था, एक संदेश लेकर जाता है, उनको ब्लॉक कर देता है अल्कोहल, तो हमारे दिमाग तक संदेश जाना जाना धीरे हो जाते। कोई दारू पी रहे तो अपन खींच के चाटा मारते सट, उसको 10 मिनट के बाद पता लगेगा अरे मेरे को चाटा भी पड़ा था। क्यों? क्योंकि जो चाटा पड़ा था, जो उसको सेंसरी जो मैसेज गया था ब्रेन तक, वो स्लो गया, पर कब गया? बाद में गया, जब वो ब्लॉकिंग खुली। ऐसे अपन एनेस्थीसिया वगैरह मरीज को नहीं देते, अपन ने कोई बॉडी पार्ट को सुन करना है तो उस पर इंजेक्ट कर दिया जाइलोकेन वगैरह, तो वो मैसेज जाना बंद हो जाएगा, फिर काटो पीटो कुछ भी करो उसको दर्द ही नहीं होता, पता ही नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उसका जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम है उसको ब्लॉक कर दिया गया, बंद कर दिया गया। और आपको अभी बताया कि जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है इसमें नर्व यानी कि तार फैले रहते हैं, और ये तार कहाँ कहाँ होते हैं? स्किन पे, संवेदनशील अंगों में, और मांसपेशियों में, जो हमारे मांसपेशियां हड्डियों के चारों तरफ पाई जाती है, रनिंग करते हैं मांसपेशियां, ठीक है, वो मसल्स जिसे कहते हैं, ठीक है, और ये मसल्स हमारे कंट्रोल में होती है। ठीक है, नेक्स्ट चीज, सोमेटिक नर्वस सिस्टम आर आवर कंट्रोल, जो कि अभी एक्सप्लेन किया कि सोमेटिक नर्वस सिस्टम हमारे वश में होता है। आई होप क्या यार आपको ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम में तो कोई डाउट यहाँ तक होना नहीं चाहिए, क्योंकि सोमेटिक नर्वस सिस्टम हमारे कंट्रोल में होता है। इतनी चीज़ को आप ध्यान रखना, इतने एग्जाम्पल भी। अब मैं आपको बढ़ता हूँ आगे, अब बात करते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की। अभी तक तो मैंने बात करा कि ऐसा नर्वस सिस्टम, ऐसा तंत्रिका तंत्र जो मेरे वश में हो, बोलने की प्रक्रिया, आँखों को बंद खोलने की प्रक्रिया, रनिंग करने की प्रक्रिया, सर घुमाने की प्रक्रिया, सारी बॉडी की एक्टिविटी जो मैंने आपको बताई है, जो स्किन मसल और संवेदनशील अंगों से होती है, वो हमारे कंट्रोल में होती है, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। अब आया आपका ऑटोनोमस। अब ये ऑटोनोमस क्या है? ऑटोनोमस का मतलब आपको समझ में आ रहा है, ऑटो मतलब अपने आप, ऑटोमेटिकली ही काम करे। बताता हूँ, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम विच आर मेड अप मेनी न्यूरोन नर्व्स नर्व्स वही, बट दे आर नॉट अवर कंट्रोल, दे वर्क ऑटोमेटिकली। समझना बात को, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कई छोटी छोटी नर्व से मिलकर बना होता है, पर यह हमारे वश में नहीं होती, अर्थात ये अपने आप कार्य करती है। अब समझना, मैं सांस ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, मेरे वश में है, मेरे कंट्रोल में है मेरे लंग्स, मैं अपने वश सांस ले सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ, मेरे वश में बोलना, बात कर रहा हूँ, मेरे वश में है, तो ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम है। अगर यही बात करूँ कि मैं अपने हृदय को आज्ञा दूँ कि चल हृदय पंप करना बंद कर दे, तो क्या मेरा हार्ट पंपिंग करना रोक देगा?
नहीं रोकेगा। अपने आप काम कर रहा है, समझना आप बात को, मेरा जो हृदय है अपने आप ही काम करता है, उसको मैं परमिशन नहीं दे सकता। ऐसे नहीं बोल सकता चल जल्दी जल्दी धड़क, चल कम धड़क, चल बंद हो जा धड़कना, उसको क्या मैं परमिशन दे सकता हूँ? क्या आप आपके हार्ट को कंट्रोल कर सकते हो? नहीं। तो जो हमारा हार्ट है, कंट्रोल तो मैं ही करूँगा, मेरा दिमाग ही उसे कंट्रोल करेगा, पर कौन सा? ऑटोनोमस, अपने आप करेगा, मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। जैसे फ्लाइट उड़ा रहे हम, ठीक है, फ्लाइट में आपने देखा कोई मूवी वगैरह में ऑटो पायलट सिस्टम एक्टिवेटेड, मतलब अपने आप प्लेन उड़ेगा, अपने आप काम करेगा वो, ठीक है, वो एक पायलट उड़ाता है, ठीक है, दो चीज़ें होती हैं। इसी टाइप से नर्वस सिस्टम में भी सेम फंडा रहता है कि भाई एक तो ऐसा हमारे शरीर की कुछ क्रियाएं हमारे वश में है और हमारे शरीर की कुछ क्रियाएं हमारे वश में नहीं है। जैसे कि रनिंग करना, बात करना, देखना, आंखों का झपकाना, ये हमारे कंट्रोल में है, और हमारे हृदय का पंप करना हमारे वश में नहीं होता है, ठीक है। तो दो चीज़ें बताई थी, और सोमेटिक नर्वस सिस्टम हमारे वश में नहीं होता है, और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम हमारे वश में नहीं होता। दोनों में एक माइनर सा डिफरेंट है कि ऑटोनोमस ऑटोमेटिकली काम करता है, हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, और सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो बताया था हमारे वश में होता है, मेरे हिसाब से काम करता है, मेरे अकॉर्डिंगली वो वर्क करेगा, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हुई आपको? अब देखो, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम भी दो टाइप से होते हैं, जो अपने आप काम करते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट, आप इन दोनों पॉइंट को अच्छे से समझना, ठीक है। सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक, ये दोनों नर्वस सिस्टम किसके भाग होते हैं? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के ही एक भाग होते हैं, ठीक है। अब ये सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक क्या होता है? आपने बोला कि सर ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम ऐसा नर्वस सिस्टम है जो हमारे हिसाब से काम नहीं करता, खत्म हो गई ना बात, अब इसके आगे क्यों बढ़ाना। पर इसमें भी दो प्रकार के, अपने आप तो काम करेंगे पर दो प्रकार से अपने आप काम करेंगे, एक सिंपैथेटिक तरीके से और एक पैरासिंपैथेटिक तरीके से। देखो दोनों में अंतर समझाता हूँ आगे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये आपको कंपटीशन एग्जाम में, आपको मेन एग्जामों में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है समझना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओनली वर्क इन इमरजेंसी कंडीशन। समझे आप, हिंदी में समझो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम केवल आपातकालीन स्थितियों में ही कार्य करता है, फाइट एंड फ्लाइट, ठीक है। देखो ये चीज़ समझो कि ये इमरजेंसी में कैसे काम करेगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने बोला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अपने आप तो काम करेगा, अपने आप इमरजेंसी में, मुसीबत के वक्त में, जैसे कि आप चल रहे हो, अभी आप समझना, अभी आप चल रहे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, समझना आप, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी हार्ट बीट नॉर्मल है, मेरे ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, मेरी पल्स रेट नॉर्मल है, मेरा H2O2 शरीर की सभी क्रियाएं नॉर्मल है, अभी मैं एकदम स्वस्थ हूँ, एकदम ठीक हूँ ना, एकदम बढ़िया हूँ। यहीं पे अगर मैं बात, ये अपने आप काम कर रहा है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, मेरा जो हृदय है एक नियमित गति से काम कर रहा है अभी, है ना। पर अगर क्या हो कि सडनली मैं जिस यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ये छत मेरे ऊपर एकदम गिरने लगे, मैं ऊपर देखो छत गिर जाए, क्या होगा? हार्ट बीट बढ़ जाएगी। या फिर एक एग्जांपल ये समझ लो, मैं चल रहा हूँ, ठीक है, समझना मेरी बात को, मैं चल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, चलते समय मेरे जो हृदय की गतिविधि है नॉर्मल है, हार्ट बीट मेरी नॉर्मल है, पर एक सडनली बगल वाली गली से कुत्ता निकल के आए और आपके ऊपर जोर जोर से भूखे, और सडनली आप पीछे देखो, उस कुत्ते को देखो, तो क्या होगा? आया समझ में मैं क्या बोलना चाहता हूँ? उस स्थिति में आपका हृदय जल्दी जल्दी पंप करने लगेगा, हार्ट बीट तेज हो जाएगी, एकदम धक 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 होने लगेगा। यहीं पे आप एग्जांपल और बताता हूँ मैं, एक लिफ्ट में जा रहे हो, आपको पता चल रही है, सब लोग उतर रहे, पर क्या हो कि यदि वो लिफ्ट चलते चलते एकदम रुक जाए, जैसे रुके कि आप थोड़ा आजू बाजू देखोगे चल नहीं रही है, फिर क्या होगा? हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आपकी बॉडी की एक्टिविटी बिगड़ जाएगी। तो उस कंडीशन में काम करता है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब आप चल रहे हो, अचानक पीछे से कुत्ता पड़ गया, आप भागोगे, जोर से भागोगे, बोलोगे यार आज तो बच गया,
आप सांस लोगे ज़्यादा, क्यों? क्योंकि आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करने लग गया, वो एक्टिवेट हो गया अपने आप, उसने आपकी हार्ट बीट बढ़ा दी, जल्दी जल्दी आपके ब्रेन में मैसेज दिया कि भागो 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 भागो, ऑटोमेटिकली ही काम हुआ ना। ऐसा तो नहीं कि मैंने अपने हार्ट को बोला जल्दी जल्दी पंप कर भाई, कुत्ता पड़ा है पीछे भागोगे आप, ऐसा होता है क्या कभी? नहीं, वो ऑटोमेटिकली काम करता है। और याद रखना, इस चीज़ को ध्यान रखना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर नहीं काम करेगा तो क्या होगा? मेंटल डिसऑर्डर, समझो, इस चीज़ को समझो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, समझना, ये मैं आपको इतनी बात कर रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्वस सिस्टम समझाने से ही समझ में आएगा। मैं आपको बताता हूँ कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम करना क्यों आवश्यक है। आप एक एग्जांपल बताता हूँ, हालांकि मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, आप हो कोई व्यक्ति है, आपने टीवीओ में देखा हो, सीरियल में देखा होगा कि कोई हस्बैंड और एक वाइफ रहती है, अक्सर देखा होगा कि उसके हस्बैंड की मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट हो गया सडनली, तो वो औरत क्या करती है, उसकी जो डेड बॉडी को घर लेके आती है, तो वो वाइफ क्या करती है, उसको देखती है, हंसती है, अरे इनको तो कुछ नहीं हुआ, अरे ये तो एकदम ठीक है, अरे बढ़िया है, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी उठेंगे, देखना अभी खाना खाएंगे, ये स्टोरी आपने हर जगह देखी होगी। तो उस कंडीशन में उस औरत को सगमा लगा, समझना, उस कंडीशन में उसका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो काम करना चाहिए था, मतलब वो रोनी चाहिए थी, उसकी हार्ट बीट बढ़ने चाहिए थी उसको, तो वो सारी चीज़ें उसके थ्रू निकल जाती, जो मैसेज जो इकट्ठे क्या हुआ, अरे अरे ऐसा हो गया, अरे उसकी डेथ हो गई, तो सडनली जो मैसेज हमारे दिमाग में गए ना, वो निकल ही नहीं पाए, वहीं पे एकदम बंद होके रह गए। और ये चीज़ भी आपने सीरियल में देखी होगी, कहीं ना कहीं कुछ समय के बाद, एक साल के बाद उसको पता लगता, अरे मेरे हस्बैंड की तो डेथ हो गई, वो रोने लगती है, घबराने लगती है, खूब रोती है, तब वो ठीक हो जाती है। देखिए स्टोरी, तो जब वो ठीक होती है, मतलब जो मैसेज जो बंद गए थे वो शरीर में वापस आ गए, निकल गए, जो भी था सब निकल गया, अब ब्रेन आपका एकदम प्रॉपर क्लियर है, फिर से नए सिग्नल लेगा, फिर दे देगा। समझ में आया? अगर आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम नहीं करता तो आपको हार्ट अटैक भी आता, जैसे कि क्या हुआ, कोई व्यक्ति बैठा हुआ अकेले में सुन रहा है गाने को, आप गए डरा दिया आपने, तो क्या हुआ, उसको सगमा बैठ जाता है, ठीक है, डर जाता है वो एकदम। सगमे का मतलब ये है कि उसके ब्रेन में जो मैसेज जो जनरेट हुए इलेक्ट्रिकल सिग्नल, उनने वापस रिप्लाई ही नहीं किया, उसके दिमाग पागल जो रहते हैं ना, अब आप पागल के जरा जाके करना, कुछ नहीं होगा उसको भी फर्क नहीं पड़ेगा, उसको बोलोगे आप गाली देते रहोगे, कुछ भी बोलते रहोगे, बेचारा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ही काम करना बंद कर दिया, रिप्लाई ही नहीं दे रहा है शरीर को, ठीक है, ऑटोमेटिकली काम ही नहीं करा, वो मैसेज पेक हो गया। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो है जो हमारा इमरजेंसी में काम करता है, आपातकालीन स्थितियों में हमें मदद करता है, आपातकालीन स्थितियों में वो काम करता है। क्लियर है? आगे बढ़ता हूँ मैं। इट इज़ मेड अप 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स, ठीक है, इसमें 31 स्पाइनल नर्व्स होती है, स्पाइनल कोर्ड से पतले पतले धागे निकलते हैं, कितने, 31 धागे इससे निकलेंगे, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 31 जो होती है स्पाइनल नर्व्स आपकी होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। अब पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिकली वर्क इन नॉर्मल कंडीशन, यह सामान्य अवस्था में काम करता है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी मेरा जो सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो काम कर रहा है, ठीक है, काम कर रहा है, मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, चीज़ें क्या हो रही है, मैं डर नहीं रहा हूँ, मेरी हार्ट बीट नॉर्मल है, अपने आप हो रही है मेरी हार्ट बीट नॉर्मल, ठीक है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली काम कर रहा है, पर कौन सा, पैरासिंपैथेटिक। क्लियर हुआ? पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में 12 क्रेनियल नर्व्स होती है, याद रखना, स्पाइनल नर्व हमेशा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में पाई जाएगी, और क्रेनियल नर्व्स 12 होती है, 12 धागे होते हैं क्रेनियल नर्व्स के, किस में पाए जाते हैं, पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हुई, इसमें 12 क्रेनियल नर्व्स पाई जाती है। आई होप कि आपको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इजीली क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको कहीं से कहीं तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझ लेना। अब आते हैं हम बात ब्रेन के ऊपर, अब सारी चीज़ें कंट्रोल कौन कर रहा है, हमारा ब्रेन कर रहा है। अब हम समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन के बारे में, ब्रेन क्या क्या करता है, कैसे कैसे भाग होता है, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेन मेड अप टू पार्ट, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, है ना, बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय कॉर्पस्कुलम। बोलना चाहता है कि मस्तिष्क के दो भागों, मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर, ये दोनों आपस में कॉर्पस्कुलम के द्वारा जुड़े रहते हैं। देखो समझाता हूं मैं आपको, ये आपका ब्रेन है, ठीक है, वन मिनट, मैं अपना फोन थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूं इधर पे, ये मेरा ब्रेन है,
ठीक है, मेरे ब्रेन दो भागों से मिलकर बना होता है, आप यहाँ पे देख लो, दो भागों से मिलकर बना होता है, राइट वाला भाग, लेफ्ट वाला भाग, इसे मैंने बोला हेमिस्फीयर, ठीक है, राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर। अब देखो जरा इन दोनों को, मैं आप इन दोनों को आपस में से हटा देता हूँ, ठीक है, वन मिनट, थोड़ा फंसा हुआ है, ये जो एरिया दिखाई दे रहा है बीच में, जो आपस में जहाँ से ये कनेक्टेड रहता है ना, ये वाली लाइनिंग, इस वाली लाइनिंग के बीच में कॉर्पस कुलम रहता है, ये दोनों हेमिस्फीयर आपस में कनेक्टेड रहते हैं हेमिस्फीयर के द्वारा। क्लियर हुआ, ये चीज़ समझ में आई आपको, कि जो आपका ब्रेन होता है, आपका मस्तिष्क के दो भागों से मिलकर बना होता है, राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर, यह दोनों आपस में कॉर्पस कुलम के द्वारा जुड़े रहते हैं, कॉर्पस कुलम जोड़ के रखता है बीच में एरिया, ठीक है। डायग्राम जरा देख लो, ये आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर, ये आपका राइट हेमिस्फीयर, दोनों के बीच में एक जॉइंट होता है यहाँ पे, इसे कॉर्पस कुलम कहते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन, अब आपका जो ब्रेन है बहुत नाजुक है, बहुत सॉफ्ट है, उसको प्रोटेक्ट कौन करके रखेगा, मैं बताता हूँ। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय मेनी लेयर एंड स्कल, स्कल मतलब जो आपकी खोपड़ी होती है उसके द्वारा पैक रहता है, ठीक है। मस्तिष्क कई प्रकार की परतों एवं स्कल के द्वारा ढका हुआ रहता है, ठीक है। आउटर साइड ऑफ ब्रेन प्रेजेंट अ थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर विच इज प्रोटेक्ट अ ब्रेन। देखो आपके दिमाग के ऊपर तीन प्रकार की परतें पाई जाती है, कौन कौन सी, आपके मस्तिष्क के बाहर तीन प्रकार की परतें पाई जाती है जो कि मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती है। कौन कौन सी लेयर होती है भैया, ड्यूरा मैटर, ये लेयर के नाम बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यूरा मैटर, एरकनोइड मैटर, पिया या पाया मैटर, जो भी आप बोलो, पिया मैटर, पाया मैटर, जो भी प्रोनाउंसिएशन आप करना चाहते हो, ठीक है। तीन प्रकार की लेयर हमारे मस्तिष्क के ऊपर पाई जाती है, ड्यूरा मैटर, एरकनोइड मैटर, पिया या पाया मैटर, क्लियर है। आगे बढ़ता हूँ, ये देखो डायग्राम जरा इनका, ये रही आपका ब्रेन, इसके अंदर आपका ब्रेन प्रोटेक्टेड रहता है, सबसे पहले सबसे बीच वाली सबसे नीचे वाली पिया मैटर, एरकनोइड मैटर, ड्यूरा मैटर, उसके ऊपर आपकी स्कल होती है, ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट लेयर है। अब देखो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, जो हमारा मस्तिष्क के अंदर से कैसा होता है, फोर ब्रेन, तीन मस्तिष्क के अंदर से तीन भाग होते हैं, फोर ब्रेन जिसे अग्र मस्तिष्क कहते हैं, मिड ब्रेन जिसे मध्य मस्तिष्क कहते हैं, एक होता है हाइंड ब्रेन जिसे पश्चिम मस्तिष्क कहते हैं, पश्चिम मतलब पीछे वाला, मैं यहाँ पर थोड़ा सा गलती हुई है मात्राओं में, थोड़ा समझ लेना, फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन बीच वाला मध्य मस्तिष्क, हाइंड ब्रेन पश्चिम मस्तिष्क पीछे वाला मस्तिष्क, तीन भाग होते हैं मस्तिष्क के, तीनों के बारे में समझिए। फोर ब्रेन हैज थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट, जो फोर ब्रेन जो सीधा वाला भाग है इसके भी तीन भाग होते हैं, कौन कौन से, अग्र मस्तिष्क के तीन भागों में बटा रहता है, कौन कौन से तीन भाग होते हैं, सेरिबेलम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। जरा देखना डायग्राम आप यहाँ पे, जो फोर ब्रेन है ना, देखो वन मिनट, ये फोर ब्रेन है आपका, फोर ब्रेन के तीन भाग है, सेरिब्रम, सेरिबेलम नहीं, सेरिब्रम, अभी आपको मैं बताऊंगा सेरिब्रम और सेरिबेलम में क्या अंतर है। सेरिब्रम, सेरिब्रम किसका भाग है, फोर ब्रेन का, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये रहा बड़ा सा भाग सेरिब्रम, सेरिब्रम ये रहा आपका थैलेमस, यहाँ पे थैलेमस, और यहाँ पे ये वाला लोअर साइड में आपको जरा सा भाग दिख रहा है, ये होती है हाइपोथैलेमस, और यहाँ पे आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से जुड़ी रहती है, ऐसे पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी, ठीक है। तो याद रखना फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क जिसे कहते हैं, तीन भाग होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। आगे बढ़ता हूँ, मिड ब्रेन, बीच वाला ब्रेन, अब ये मिड ब्रेन क्या है, मिड ब्रेन आर फाउंड बिटवीन द फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन, अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के बीच में मध्य मस्तिष्क स्थित होता है, ठीक है। मध्य मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क के बीच में पश्चिम मस्तिष्क स्थित, देखो ये रहा, ये है और ये पीछे, इन दोनों के बीच में एक जगह दिख रही है आपको, ये होता है मिड ब्रेन की, ठीक है। अब आता हूं मैं आपको हाइंड ब्रेन, तीन भाग बताए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन के तीन भाग, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का क्या होता है, हाइंड ब्रेन लोकेटेड बैक साइड ऑफ द ब्रेन, इट हैज थ्री पार्ट, ब्रेन के पास तीन पार्ट होते हैं, पीछे वाले, आगे वाले मस्तिष्क के पास भी तीन भाग थे, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब पश्चिम मस्तिष्क के पास भी तीन भाग है, कौन कौन से, पश्चिम मस्तिष्क की तरफ स्थित होता है, इसके भी तीन मुख्य भाग होते हैं, कौन कौन से, सेरिबेलम, वो सेरिब्रम था, ये सेरिबेलम, पोन्स और मेंडुला ओब्लॉन्गेटा। जरा देखो डायग्राम में, ये रहा आपका हाइंड ब्रेन, ये वाला पोन्स,
ये बीच में आपको दिखाई दे रहा है, इनको बोलते हैं हम पॉन्स। ये रहा आपका मेंडुला ओब्लांगेटा, ये वाला पार्ट है, और सेरी बेलम, ये पीछे वाला जो आपको दिख रहा है बड़ा सा भाग, ये सेरी बेलम होता है, ठीक है। तो ये सारा मिलके क्या बना आपका, ब्रेन का हाइंड ब्रेन बना। हाइंड ब्रेन के कितने भाग बताए मैंने आपका, पॉन्स, मेंडुला ओब्लांगेटा और सेरी बेलम, ठीक है। सेरिब्रम भाग होता है हमारे फोर ब्रेन का, और सेरिबेलम जो होता है हाइंड ब्रेन का पीछे स्थित होता है। ये चीज़ आपको क्लियर हुई, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखते हैं हम वर्किंग ऑफ ब्रेन। सबसे मुख्य काम हमारे अलग अलग मस्तिष्क के अलग अलग भागों का अलग अलग काम होता है। क्या क्या काम होता है देखो जरा। सेरिब्रम, पहली बात तो सेरिब्रम आपका काम क्या करता है, डील विथ ऑल सेंसरी इन्फॉर्मेशन एंड वॉलेंटरी मूवमेंट, बोलना चाहता है, या हमारे संवेदनशील प्रक्रिया को नियंत्रण करने में मदद करता है। संवेदनशील क्रिया है जो कि हम चल रहे हैं फिर रहे हैं, इन चीज़ों का मेंटेनेंस रखता है। इट कंट्रोल व्हाट यू आर स्पीकिंग एंड कंट्रोल अवर एक्सप्लेनेशन, समझो बात को, ये हमारे बोलने की प्रक्रिया एवं समझने की क्रिया को भी नियंत्रित करता है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कौन नियंत्रित कर रहा है, सेरिब्रम। यही बात करो, कोई दारू वारू पी लिया, अल्कोहल वगैरह पी लिया, भी एग्जांपल बताया, तो वो क्या, वो ठीक से बेचारा बोल नहीं पाता, खड़े ही नहीं हो पाता, ऐसे 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 लड़खड़ाने लगता, बोल भी नहीं पाता है वो, ठीक है। क्यों नहीं बोल पाता है, वही जो सेरिब्रम है ना उसके मैसेज बंद कर दे, जो अल्कोहल होती है ना हमारे दिमाग तक मैसेज नहीं जाने देती, बंद कर देती है, और संदेश यदि मस्तिष्क तक नहीं जाएंगे उस कंडीशन में क्या होगा, अगर दिमाग तक ही मैसेज नहीं पहुंचेगा तो दिमाग वापस रिप्लाई कैसे करेगा, जवाब कैसे देगा, जवाब नहीं दे पाएगा तो आप ठीक से बोलने पड़ा ऐसे बोलने लगते, तो वो क्या होता है, आपके मैसेज को ब्लॉक कर दिया गया है और वो कुछ समय के बाद ऑटोमेटिकली वापस खुल जाते हैं। क्लियर हुआ आपको। इट कंट्रोल स्पीकिंग, सेरिब्रम का काम होता है हमारे बोलने समझाने, मेरे एक्सप्लेनेशन में इतने अच्छे से समझा पा रहा हूँ। यदि आप पागल व्यक्ति की बात करो तो क्या वो आपको बता पाएगा, क्या वो ठीक से बोल पाएगा, नहीं, उसका सेरिब्रम काम करना बंद कर देता है। आगे बढ़ूँ मैं आपको, यहाँ से आगे बढ़ता हूँ मैं। अब होता है आपकी थैलेमस, जो थैलेमस होती है उसका काम क्या होता है, यहाँ पर लोकेटेड होती है आपकी ये थैलेमस, ठीक है। थैलेमस क्या काम करती है, इट इज स्टेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ मोटर नर्व्स एंड सेंसरी नर्व्स, मीन्स इट इज सेंड इन्फॉर्मेशन डिफरेंट पार्ट, बोलना चाहता है हमारे शरीर में, आप समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे शरीर में मस्तिष्क से शरीर तक जाने वाले संदेश को नियंत्रित थैलेमस करता है, अर्थात यह किसी भी प्रकार के संदेश को सही रास्ता दिखाता है। अब आपको समझ में नहीं आया, बोला सर क्या बोला, मैं बताता हूँ थैलेमस का क्या काम होता है। थैलेमस हमारे बीच में मस्तिष्क में स्थित होती है, आप ऐसे समझ लो ये एक बस स्टेशन है जहाँ से पता लगता है कि बस को कहाँ जाना है। अब समझना मेरी बात को, अब अच्छे समझना, मेरे बोलने की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित कर रहा था, अभी बताया मैंने आपको पीछे वाला, अभी क्या बताया मैंने आपको, सेरिब्रम। सेरिब्रम आपके बोलने की प्रक्रिया को नियंत्रित कर रहा था, पर जब मैसेज गया तो जो स्टेशन है, समझो मेरी बात को, मैंने हाथ में कांटे को चुभाया, वो मैसेज पहले जाएगा मेरे थैलेमस के पास। थैलेमस क्या है, एक स्टेशन का काम करेगी, वो उस मैसेज को देखेगी, पढ़ेगी किसको कहाँ पे भेजना है, ठीक है, वो फिर उस भाग में भेजेगी। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, आपने आपके फ्रेंड को कुरियर किया, एक पोस्ट ऑफिस भेजा, तो पहले वो पोस्ट वहाँ के बड़े हब में जाएगा, पोस्ट ऑफिस में जाएगा, फिर वहाँ से वो आपके फ्रेंड का पता ढूंढ के आपके फ्रेंड के घर भेजेगा। ऐसे तो नहीं कि किसी और के घर भेज दिया, ठीक है, ये हो सकता है। ये कब होगा, जब आपका पोस्ट ऑफिस ही खराब हो गया हो, यानी कि थैलेमस ने काम करना बंद कर दिया, वो पागल वाली स्थिति, मेंटल डिसऑर्डर होने लगता है, ठीक है। ऐसे में तो याद रखना, थैलेमस क्या होती है, सही जानकारी को सही जगह तक पहुँचाने का काम करती है। यदि हो सकता है कोई जानकारी आपकी पॉन्स में जानी हो, पॉन्स में ना भेज के सेरिब्रम में भेज दी हो उसने, तो फिर तो गड़बड़ हो गई ना। तो अलग अलग, जैसे कि टेम्परेचर, अब मान लीजिए सेरिब्रम जरूरी थोड़ी सेरिब्रम हमारे बॉडी का टेम्परेचर नियंत्रित करेगा, तो वो क्रियाएं बिगड़ जाती है। तो याद रखना, थैलेमस हमारे शरीर में मेंटेनेंस रखता है, किस चीज का, स्टेशन का काम करता है। आगे बढ़ता हूं, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस थैलेमस के नीचे स्थित होती है। ये क्या करती है, इट मेंटेन अ टेम्परेचर ऑफ बॉडी, अभी बताया मैंने, यह हमारे शरीर का तापमान को नियंत्रित करती है। कौन करती है तापमान को, हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन, अब मिड ब्रेन का क्या काम होता है, इट कंट्रोल अ मूवमेंट ऑफ आइज एंड कंट्रोल फोर एंड कनेक्ट अ फोर ब्रेन एंड मिड ब्रेन। जो मिड ब्रेन होता है ये हमारे आँखों पे, हम आँखें झपका पाते हैं ये मिड ब्रेन की वजह से, और ये मस्तिष्क की दोनों भागों को कनेक्ट करने का भी काम करता है। आगे बढ़ता हूँ मैं, हाइंड ब्रेन, अब जो आपका पीछे स्थित है हाइंड ब्रेन, ये क्या करता है,
इट कंट्रोल अ बॉडी बैलेंस, ये हमारे शरीर के बैलेंस, हम मैं चल पा रहा हूँ ठीक से, क्यों? क्योंकि मेरा हाइंड ब्रेन है वो काम कर रहा है, ये हमारे शरीर का संतुलन बना के रखता है, ठीक है। पोन्स, अब ये पोन्स यहाँ पे लोकेटेड होती है, ये वाली है ना, ये पोन्स क्या करती है, इट हेल्प टू स्लीपिंग एंड कंट्रोल ब्रीथिंग, हमारे सांस लेने की प्रक्रिया में और हमारे सोने की स्लीपिंग एक्टिविटी को पोन्स मेंटेन करता है। यदि पोन्स का काम बिगड़ गया तो हम ठीक से सो नहीं पाएंगे, सांस प्रॉपर रेस्पिरेशन बिगड़ेगी, ये सब प्रोसेस हो सकती है। यह हमारे सोने की प्रक्रिया में मदद करता है एवं श्वसन की प्रक्रिया को भी नियंत्रित रखता है पोन्स। आगे बढ़ता हूँ, मेंडुला ओब्लांगेटा, हमारे ब्रेन का सबसे आखिरी भाग, इट हेल्प टू कनेक्ट स्पाइनल कॉर्ड एंड कंट्रोल अ ब्लड प्रेशर, आपके शरीर को मस्तिष्क को और पीछे जो स्पाइनल कॉर्ड आपकी रीढ़ होती है इसको कनेक्टेड करता है मेंडुला ओब्लांगेटा, और ये क्या काम करता है, ये नियंत्रित रखता है हमारे रक्त दाब को, हमारे शरीर में जो ब्लड का जो प्रेशर है उसको मेंटेनेंस काम करने मेंडुला ओब्लांगेटा करता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग यू आर इंडियन मेडिकल लेक्चर, आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी, आपको सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई है। प्लीज़ यार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसका एक भाग और आएगा, अभी नर्वस सिस्टम खत्म हुआ नहीं है, इसका एक भाग और जल्दी ही मैं अपलोड कर दूंगा, उसमें आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बचा हुआ है और थोड़ी सी चीज़ें बची हुई है, वो सारी वो वीडियो मिस मत करना, वो वीडियो जाके जरूर देखना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कोई डाउट हो तो नीचे स्क्रॉल डाउन करके इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है वहां से आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।